नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। भोपाल, शिवराज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुछ बड़े फैसले को मंजूरी दी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने कृषक कल्याण कैबिनेट की बैठक में बड़ा मलेरा और जौरा की सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना के पहले शिवराज कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। आयोग के पास अधिकारियों को बुलाने का अधिकार रहेगा। कैबिनेट की बैठक में बड़ा मलेरा और जौरा की सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। शिवराज कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए गृह मंत्री, इस योजना के मंजूर होने के बाद अब किसानों के खाते में 10,000 रुपये की राशि आएगी। पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा प्रदेश के 77 लाख किसानों को 6,000 रुपये की राशि मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि 2,000 रुपये किस्त के रूप में किसानों के खाते में डालेगी। कैबिनेट की बैठक, वर्चुअल बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आज किया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यहां मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि भारत सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसी समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है वही राज्य सरकार भी देगी। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने कभी इतनी चिंता पिछड़े वर्ग की नहीं की। 27% आरक्षण का झंझुना पकड़ाकर जो इस तरह से उनको छला गया, उस 15 माह की पूर्ति माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, पिछड़े वर्ग इस आयोग का दर्जा देने के बाद में, संवैधानिक दर्जा देने के बाद में, इसमें अधिकारियों को भी बुलाने का अधिकार इस आयोग को दिया गया है। जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें भूमिगत पाइपलाइन डालने की भी अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई। 17,000 पटवारियों के द्वारा पटवारियों को अब मध्य प्रदेश के अंदर लैपटॉप दिलाया जाएगा। ये कार्य कंप्यूटराइजेशन को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और स्थापना के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज गोहद जिला भिंड में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बढ़ाकर 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल बनाने का तय किया है। सिविल अस्पताल बरेली को 50 बिस्तर से 100 बिस्तर का, गैरतगंज रायसेन में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल, बदनावर धार में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में, सुसनेर आगर मालवा में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल, इछावर सीहोर में 30 बिस्तर को 50 बिस्तर का, पूर्सा जिला मुरैना में 30 बिस्तर को 50 बिस्तर, सिलवानी जिला रायसेन में 30 बिस्तर के 50 बिस्तर, सुल्तानगंज बेगम खंड विकास खंड के बेगमगंज का 30 बिस्तर के स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया गया है, ग्राम खरवई विकास खंड सांची जिला रायसेन में नवीन स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का तय किया है, साचेत विकास खंड सांची जिला रायसेन में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का तय किया है, और प्रतापगढ़ विकास खंड सिलवानी सांची में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 बिस्तर की स्थापना करा जाने का भी निर्णय किया है। आज के निर्णय में यहाँ पर पद सैंक्शन भी किए गए हैं सभी अस्पताल के लिए। नगर निगम में एक लंबे समय से मांग थी कि चंबल का पानी मुरैना आना चाहिए,
उसकी पेयजल आवर्धन योजना जो थी और आसपास के जो निकाय थे उनमें जलावर्धन योजना को भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में संचालित यात्री बस वाहनों के देय मोटर कर यान में छूट प्रदान किए जाने वाले यानों को लंबित भुगतान एवं यानों के एकमुश्त भुगतान की अवधि 31/3/20 में वृद्धि करते हुए 31/3/21 और छूट देने का भी आज तय किया है। ये 2020 के माह के सितंबर के 50% की छूट और टैक्स पूर्णतः माफ 1 अप्रैल 2020 से 31/1/2020 तक की अवधि का पूर्णतः माफ किए जाने का भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।